अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 205 पे है। इसका इंट्रोडक्शन कल मैंने थोड़ा सा दे दिया था आपको कि रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं वो तीन टाइप की होती हैं। उसमें थीसिस शामिल हैं, जर्नल्स हैं जो जर्नल के आर्टिकल्स होते हैं जो जर्नल्स में पब्लिश किए जाते हैं। इसके अलावा पेपर्स जो हैं वो प्रोफेशनल मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट किए जाते हैं। ये तीन किस्म की रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं जो नियर अबाउट उनमें कंटेंट एक ही जैसे होते हैं। इसमें सबसे पहली काइंड हमने देखनी थी थीसिस एंड डिसर्शन। पेज 206 पे आप आ जाएं तो इसका फॉर्मेट सारा यहाँ लिखा हुआ है जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे काफ़ी हद तक मैं पहले भी आपको अपने कोर्स के स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि रिसर्च वर्क होता क्या है। दीज रिसर्च रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ डिग्री रिक्वायरमेंट। ये अमूमन जो थीसिस या डिसर्शन होता है वो डिग्री रिक्वायरमेंट होती है। जब तक आप ये थीसिस नहीं करते और रिसर्च रिपोर्ट जमा नहीं कराते उस वक्त तक आपको डिग्री नहीं मिलती एक पर्टिकुलर। एंड फॉलो द सेम जनरल फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट जो है वो जनरली वही सेम होता है जो पीछे हमने फॉर्मेट्स पढ़े हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो देता है। इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं ये फॉर्मेट हम एक दफ़ा देख लेते हैं। आगे इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है कि इट इंक्लूड्स थ्री पार्ट्स और सेक्शन। इसके तीन मेनली पार्ट होते हैं। पहला सेक्शन होता है जी पार्ट वन, प्रिलिमिनरी पेजेस इन्हें कहते हैं, इब्तदाई सफ़ात, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें शामिल होती हैं। दूसरा मेन बॉडी होता है और तीसरी जो है वो रेफरेंस सेक्शन होता है। प्रिलिमिनरी पेजेस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, टाइटल पेज होता है, इनर पेज, इनर टाइटल होता है, एक्नॉलेजमेंट होती है, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, अप्रूवल शीट होती हैं, लिस्ट ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर्स, एब्स्ट्रैक्ट, ये चीज़ें शामिल होती हैं। इसकी डिटेल मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाती हूँ नेक्स्ट पेज पर। मेन बॉडी में क्या चीज़ें शामिल हैं जी, मेन बॉडी में यूजली 4 से 5 चैप्टर शामिल होते हैं। पहला चैप्टर उसमें इंट्रोडक्शन होता है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम दी हुई होती है, स्टडी के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, स्टडी की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या अजम्पशंस हैं, हाइपोथेसिस क्या है, लिमिटेशन डीलिमिटेशन, मेथड कौन सा इस्तेमाल होगा, टर्म्स मुख्तलिफ जो इस्तेमाल होती हैं वो सब चैप्टर वन में डिफाइन कर देते हैं। चैप्टर टू जी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर होता है। आपके टॉपिक से रिलेटेड जितना भी लिटरेचर आपने रिव्यू किया है बुक्स से, आर्टिकल्स से, मुख्तलिफ वेबसाइट्स से, न्यूज़पेपर से, जर्नल्स से, वो सब आप उसमें शामिल कर देते हैं। फिर थर्ड चैप्टर में आप रिसर्च का पूरा प्रोसीजर डिफाइन करते हैं कि आपकी पॉपुलेशन क्या थी, सैंपल किया था, आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया, उसको कैसे पायलट टेस्ट किया, कैसे इंस्ट्रूमेंट को एडमिनिस्टर किया, स्कोर कैसे जो है वो आपने लिए। फिर चौथे चैप्टर में आप डाटा का एनालिसिस बताते हैं कि, और फिफ्थ चैप्टर में आप उसके रिजल्ट शामिल कर देते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसकी समरी देते हैं, आप अपनी फाइंडिंग्स बयान करते हैं, अपने कंक्लूजन लिखते हैं और आप रिकमेंड करते हैं कि आने वाले क्या काम करें। अच्छा, इस सब की डिटेल हमारे पास अब नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट हो रही है, वो है पेज 208 पे। रेफरेंस सेक्शन में जी बिब्लियोग्राफी होती है, अपेंडेंसेस होती हैं और इंडेक्स होते हैं। ये क्या होते हैं ये अभी हम नेक्स्ट इसकी डिटेल पढ़ेंगे। प्रिलिमिनरी पेजेस को पहले हम देख लेते हैं। प्रिलिमिनरी पेजेस क्या होते हैं कि सबसे पहले जी टाइटल पेज होता है। टाइटल पेज क्या है जी, आपको मैं इसके साथ साथ आपकी इसकी पिक्चर्स भी भेजूंगी अपनी थीसिस की, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या है। टाइटल पेज क्या है कि उसके अंदर आप जो पिक्चर मैं भेजूंगी आप उसमें देखेंगे कि जैसे मैंने अपने थीसिस की पिक्चर्स शेयर की हैं उसमें जी टाइटल पेज पे आप देखेंगे टाइटल लिखा हुआ रिलेशनशिप स्टडी ऑफ एट्रीब्यूशन फैक्टर्स एंड एकेडमिक अचीवमेंट, ये टॉप पर लिखा होता है। आप सफ़े के देखें टॉप पर लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें ऑथर नेम शामिल होता है। इन द मिडल आप सफ़े के मिडल में देखें मेरा जो है वह नाम शामिल है। फिर उसके बाद आप फैकल्टी और इंस्टीट्यूट उसका बॉटम में लिखते हैं। आप एंड पे देखें यूनिवर्सिटी ऑफ वाहकेंड लिखा हुआ है, ये मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है। तो ये कोई भी हो सकता है, मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको ये दिया है। द डाटा ऑफ प्रेजेंटेशन, उसके बाद आप जो है वो बिलो द नेम ऑफ द फैकल्टी और इंस्टीट्यूट लिखते हैं, वो जो है वो आपने देखें मैंने लिखा हुआ है नीचे। फिर द टाइटल शुड बी क्लियर एंड ब्रीफ। टाइटल 10 से 12 अल्फाज के दरमियान होना चाहिए, ये ना हो कि 3 से 4 लाइनों में 5 लाइनों में टाइटल जा रहा है, सिर्फ 10 से 12 अल्फाज के दरमियान हुआ। एंड इट शुड ऑल्सो इंडिकेट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल अलॉन्ग विद द पॉपुलेशन। आप इस अपने इस एग्जाम्पल में देखें टाइटल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका जो है वो भी बयान किया हुआ, एट्रीब्यूशन फैक्टर्स, डिपेंडेंट वेरिएबल एकेडमिक अचीवमेंट भी बयान किया हुआ है, और उसके अलावा आपकी पॉपुलेशन भी लिखी हुई है। जैसे मैंने पॉपुलेशन ली थी टेक्सला का एरिया, तो वो ग्रुप ऑफ टैक्स साइंस स्टूडेंट्स ऑफ टेक्सला वो उसमें शामिल हैं। अच्छा, इनर टाइटल पेज क्या होता है ना, इट शुड इंक्लूड टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, टाइटल शामिल है, ऑथर का नेम शामिल है, सुपरवाइज़र का नाम भी जो है वो इसमें शामिल होता है इनर नेम में आप देखें तो। इसके अलावा थीसिस आप जिसको सबमिट करते हैं उसकी जो है वो लाइंस लिखी हुई होती हैं। द थीसिस सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट, ये लिखा होता है ये लाइन इसके इनर पेज में। इनर द थीसिस सबमिटेड इन द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिग्री
ऑफ एमए टू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ वट एवर, जो भी कॉलेज का नाम होगा वो उसके नीचे लिख दिया जाता है कि ये थीसिस जो है वो इस कॉलेज को या इस यूनिवर्सिटी को सबमिट किया जा रहा है ताकि डिग्री की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी की जा सकें। जी नेक्स्ट इसमें है एक्नॉलेजमेंट्स। एक्नॉलेजमेंट में इन दिस पेज राइटर अप्रिशिएट्स द पर्सन हु हैव गाइडेड एंड असिस्टेड हिम इन कंडक्टिंग एंड कंप्लीटिंग द रिसर्च, कि आपको जिस जिसने गाइड किया होता है या आपकी मदद की होती है, असिस्ट की होती है रिसर्च को कंडक्ट करने में, आप उसको शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए चंद अल्फाज आप लिखते हैं एक्नॉलेजमेंट के पेज में। फिर आप डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लिखते हैं, सर्टिफिकेट होता है ये डिक्लेयर करते हैं आप, इट इंक्लूड्स अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, उसमें एक स्टेटमेंट लिखते हैं दैट एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज एक्नॉलेज इन द टेक्स्ट दिस थीसिस रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल रिसर्च ऑफ द ऑथर, कि ये जो है वो ऑथर की अपनी ही रिसर्च है, एट दिस मटीरियल कंटेन हेयर इट हैज़ नॉट बीन सबमिटेड विद इन होल और इन पास्ट के, इसको जो है वो पहले नहीं बयान किया गया, ये रिसर्चर ने खुद जो है वो लिखी है, पास्ट में पहले इस पर कोई चीज़ जो है वो ऐसी नहीं मौजूद हुई। फॉर अ डिग्री एट दिस और एनी अदर यूनिवर्सिटी, और ऐसा जो है वो काम किसी और यूनिवर्सिटी ने सबमिट नहीं किया है। जैसे आप मुख्तलिफ़ टी वी पर प्रोग्राम्स देखते हैं तो उससे पहले एक जो है वो डिक्लेरेशन आ रही होती है कि जी 18 साल के बच्चों को जो है वो ये प्रोग्राम देखना चाहिए या उससे कम लोगों को देखना मना है, और या ऐसा कंटेंट जो है वो हम अपनी जिम्मेदारी पे शेयर करें, इस किस्म की डिक्लेरेशन देते हैं। तो उसी तरह थीसिस की डिक्लेरेशन दी जाती है कि ये वर्क रिसर्चर का अपना ही है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो कि किसी और से मिलती जुलती होगी। बहरहाल ये यूनिवर्सिटीज़ के पैटर्न पे होता है, किसी यूनिवर्सिटी में ये शामिल होता है डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, किसी में नहीं होता। बहरहाल नेक्स्ट पे आ जाएं जी, अप्रूवल शीट होती है। अप्रूवल शीट में इट इंक्लूड्स अप्रूवल ऑफ थीसिस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़, कि इसमें आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के सिग्नेचर्स इस शीट में शामिल होते हैं कि जिनको आपने अपना थीसिस प्रेजेंट करना होता है। इन इट स्टेटमेंट इज़ रिटन एज अंडर, इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई होती है कि थीसिस का टाइटल ये है, द थीसिस इन टाइटल, आप टाइटल लिखते हैं, फिर उसके बाद सबमिटेड बाय लिखते हैं कि जिसने सबमिट किया, और इन पार्शल फुलफिलमेंट, और ये लाइन लिखते हैं कि दैट इन पार्शल फुलफिलमेंट ऑफ जस्ट अ मिनट फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर द डिग्री ऑफ एम एड इज़ हेयर बाय एक्सेप्टेड, कि जी लेट्स सपोज जैसे ये लिखा हुआ है कि एम एड की डिग्री की कम्प्लीशन के लिए जो है वो फुलफिलमेंट के लिए ये थीसिस सबमिट किया जा रहा है, तो एम ए का भी हो सकता है, किसी भी डिग्री का हो सकता है। बहरहाल उसमें जो है वो आपके सुपरवाइज़र के साइन और आपके अपने साइन वगैरह जो है वो शामिल होते हैं उसमें। फिर है लिस्ट ऑफ कॉन्टेंट्स। लिस्ट ऑफ कॉन्टेंट जैसे आपकी बुक्स में भी मौजूद होती है लिस्ट ऑफ कॉन्टेंट, कॉन्टेंट जो है वो लिखे होते हैं, उनके किस पेज पे लिखे होंगे वो बयान किया होता है। दिस पेज इंक्लूड्स द सीरियल नंबर्स कंटेंट्स एंड पेज नंबर्स, लिखा होता है कि किस पेज पे कौन सा कंटेंट मौजूद होगा। इट इंक्लूड्स चैप्टर्स हेडिंग, इसमें चैप्टर की हेडिंग सब हेडिंग लिखी हुई होती हैं, एंड गिव्स एन बर्ड्स आई व्यू टू द रीडर, और बर्ड्स आई कहते हैं कि एकदम से आप एक जो है वो झलक देख सकते हैं पूरे थीसिस की, केस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। फिर ए लिस्ट ऑफ टेबल्स, इट इंक्लूड्स अ सीरियल नंबर्स ऑफ टेबल्स, अगर आपने कोई टेबल शामिल किया अपने थीसिस में तो वो उसमें शामिल होंगे, उनका नंबर लिखा होगा, टेबल का टाइटल लिखा होगा और पेज नंबर होगा कि किस पेज पे कौन सा टेबल शामिल है। नेक्स्ट टू टेन पेज पे आ जाएं तो लिस्ट ऑफ फिगर्स है। लिस्ट ऑफ फिगर्स में आप फिगर्स के इसी तरह देते हैं कि जी ये कोई आपने डायग्राम शेयर की है, कोई डायग्राफ बनाया हुआ है, तो वो उसके अंदर शामिल होते हैं कि इट इंक्लूड्स द सीरियल नंबर्स ऑफ फिगर्स, टाइटल ऑफ द फिगर एंड द पेज नंबर। पेज नंबर लिखते हैं आप, लिखते हैं कि इस पेज पे फलां फिगर मौजूद है या फलां जो है वो मैंने डायग्राम ऐड की है। फिर है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है जी, एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्राइब्स स्टडी इन 150 वर्ड्स, पूरी स्टडी को आपने 100 से 150 लफ्ज़ों के दरमियान जो है वो बयान करना होता है, और उस पैराग्राफ को जो है वो हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, उस पैराग्राफ में आपने ये भी बताना होता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है जिस पे आप रिसर्च करें, किस टाइप के आपने सब्जेक्ट लिए हैं, आपके कौन से स्टूडेंट थे इसमें, आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिया, क्वेश्चनेयर लिया, इंटरव्यू किया, आपने कौन सा स्टडी का डिज़ाइन सिलेक्ट किया, क्या प्रोसीजर फॉलो किया स्टडी का, मेजर आपके क्या रिजल्ट निकले हैं, एक दो रिजल्ट आप शेयर करते हैं और कंक्लूजन्स भी लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो यूजुअली हम अपनी रिसर्चेस से रिलेटेड रिसर्चेस जब हमने देखनी होती हैं तो हम किसी का पूरा पूरा थीसिस उठा के नहीं पढ़ने बैठते, हम जस्ट एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है कि रिसर्च किस टाइप की और उसका रिजल्ट क्या निकला था। यहाँ तक जी हमारे हो गए प्रिलिमिनरी पेजेस, हमने फर्स्ट सेक्शन पढ़ लिया। सेकंड पार्ट जो है वो उसमें मेन बॉडी ऑफ द रिसर्च आता है, ये मेन बॉडी ऑफ रिसर्च में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें चैप्टर वन हम देखेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन होता है, जो भी जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसका इंट्रोडक्शन उसमें शामिल होता है।
द सेक्शन इंक्लूड्स द बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से रिलेटेड आप बैकग्राउंड पढ़ते हैं. लेट सपोज आपने कोई टॉपिक लिया तो हम उसकी थ्योरी बयान करते हैं कि ये प्रॉब्लम कब आई, लिटरेचर में ये कब आइडेंटिफाई हुई और उसके क्या क्या हिस्से हैं, क्या क्या जो है वो इश्यूज़ इससे रिलेटेड हैं वो हम देखते हैं. प्रॉब्लम एज वेल एज जस्टिफिकेशन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, हम अपनी प्रॉब्लम भी इसमें बयान करते हैं, जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि हमने क्यों इस जो है वो प्रॉब्लम के ऊपर अपनी रिसर्च कंडक्ट की. द रिसर्चर जस्टिफाइड द सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम बाई डिस्क्राइबिंग द सिग्निफिकेंस, उसके साथ हम उसकी सिग्निफिकेंस भी बताते हैं कि इसकी इस अहमियत की वजह से हमने ये प्रॉब्लम सिलेक्ट की कि इस पर रिसर्च कंडक्ट की जाए. सिग्निफिकेंस अटैच टू द प्रॉब्लम एज हाउ द प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस, और हम बताते हैं कि एजुकेशनल थ्योरी और प्रैक्टिस में ये मसला जो है वो या ये रिसर्च जो है वो कितनी अहमियत की हामिल हो सकती है, क्या क्या चेंजेस जो है वो आपके रिसर्च वर्क से आएंगी वो हम उसमें शामिल करते हैं. इसमें सबसे पहले जी आ जाती हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आप जानते ही हैं कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो उसको प्रॉब्लम को आप उसमें डिस्क्राइब कर देते हैं, उसका बैकग्राउंड, उसकी जस्टिफिकेशन देते हैं. एक ये वेल रिटन स्टेटमेंट है, इसमें आपके वेरिएबल्स भी आप डिफाइन करते हैं और उसके रिलेशनशिप भी बयान करते हैं. जैसे कि मैंने अपने रिसर्च की आपको एग्जांपल दी थी तो मैंने दोनों वेरिएबल्स डिफाइन किए, एट्रीब्यूशन फैक्टर्स भी और एकेडमिक अचीवमेंट भी, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है. जी मैंने कहा लिखा जी रिलेशनशिप स्टडी के इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप मौजूद है, कोरिलेशन मौजूद है. फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, आप जानते ही हैं कि आप स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स उसमें शामिल करते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स क्या आपने जो स्टडी कंडक्ट किया उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उसका रिसर्च की क्वालिटी पे क्या असर पड़ेगा. फिर आ जाएँ जी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडीज में क्या, इन द सेक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसर्च इज डिस्क्राइब्ड, आप अपनी रिसर्च की इंपॉर्टेंस बयान करते हैं. इट इज़ स्टेटेड दैट फॉर हुम एंड हाउ द रिसर्च स्टडी इज़ इंपॉर्टेंट, आप बताते हैं कि रिसर्च स्टडी किसके लिए, किन स्टूडेंट्स के लिए, किस एरिया के लोगों के लिए ये ज़्यादा अहम है. एंड हाउ डज़ इट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस, और किस तरह से तालीमी निज़ाम में एजुकेशनल थ्योरी और प्रैक्टिस में आपकी रिसर्च जो है वो कोई अहमियत की हामिल होगी. हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट, टीचर्स, इंस्टीट्यूशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड सोसाइटी, किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट के लिए आपकी रिसर्च जो है वो यूज़फुल होगी, ये आप उसमें बयान करते हैं. फिर एजम्पशंस, एजम्पशंस क्या है जी, देयर आर द स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट द रिसर्चर बिलीव टू बी फैक्ट्स बट कैन नॉट वेरीफाई दीज. एजम्पशंस आप पहले से जो आपने डिफाइन किया होता है जी कि मैं ये रिसर्च कंडक्ट करने जा रही हूँ तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि मेरे एट्रीब्यूशन फैक्टर्स का इतना हद तक रिलेशनशिप निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये एजम्पशंस होती हैं लेकिन आप उनको वेरीफाई नहीं कर पाते, वेरीफाई कर नहीं सकते, मतलब कम्प्लीटली वेरीफाई नहीं करते. फिर आप हाइपोथेसिस जो है वो आप बयान करते हैं. इट इज़ स्टेट और लाजमी एजम्पशंस हर एक पैटर्न में शामिल हो. कुछ लोग एजम्पशंस लिखते हैं, कुछ लोग हाइपोथेसिस लिखते हैं. जैसे कि इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज़ टेस्टेड, ये स्टेटमेंट होती हैं जिसे आप बाद में टेस्ट करते हैं. मतलब आप पहले हाइपोथेसिस डिफाइन अपना मफरूजा बयान करते हैं और बाद में जो है वो जब आपकी पूरी रिसर्च कंडक्ट हो जाती है तो वो आपके कंक्लूजन्स डिफाइन करते हैं कि आपका हाइपोथेसिस सही था या गलत. इट इज़ अ टेंटेटिव आंसर, वक्ती तौर पर आप जो है वो एक आंसर तय करते हैं. एक इंटेलिजेंट गैस होता है कि आप गैस लगाते हैं कि ये कोई चीज़ इस वजह से हुई होगी, ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रीवियस रिसर्च और थ्योरी, जो कि आपने थ्योरी पढ़ी हुई होती है या रिसर्चें पढ़ी होती हैं उसके बिना पर आप जो है वो ये चीज़ उसका गैस लगाते हैं कि इसकी ये वजह हो सकती है, जो भी आप वेरिएबल्स लेंगे. एंड इज सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन और डिसकन्फर्मेशन, आप उसको या तो वेरीफाई कर देते हैं या आप डिसकन्फर्म कर देते हैं हाइपोथेसिस को. एंड में एनालिसिस ऑफ द डाटा कलेक्टेड कन्फर्म एंड डिसकन्फर्म द हाइपोथेसिस, आप एनालिसिस के जरिए जो है वो हाइपोथेसिस को या तो कन्फर्म करते हैं या डिसकन्फर्म कर देते हैं. फिर लिमिटेशंस, लिमिटेशंस में आप बता देते हैं जी कि मेरी स्टडी यहाँ यहाँ तक लिमिटेड है. दीज आर द कंडीशंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द रिसर्चर, जहाँ तक आपने अपनी स्टडी को कंट्रोल किया होता है वो आप अपनी लिमिटेशन बयान कर देते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज दैट प्रिक्लूड यूजिंग मोर देन वन क्लास इज एन इन एन एक्सपेरिमेंट स्टडी इज़ द एग्जाम्पल, जे कि जैसे कि आप जो है वो लेट्स यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में आप बयान कर देते हैं जी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ की वजह से मैंने एक से ज़्यादा क्लास नहीं ली है, एक से ज़्यादा क्लास जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड नहीं की, ये जो है वो बयान करता है कि ये मेरी स्टडी की एक लिमिटेशन. डी लिमिटेशन क्या है जी, ये आप नेक्स्ट पेज पे देखें 212 पे. दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ द रिसर्च स्टडीज़, ये रिसर्च स्टडी की आपकी बाउंड्रीज होती हैं जो आप रिसर्चर इस्टेब्लिश करता है अपने टाइम को सेव करने के लिए, अपनी एफर्ट्स और मनी को. ये नहीं होता कि आपने अगर खाने वाल सेलेक्ट किया तो आप सारे खाने वाल के जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, बल्कि आप जो है वो एरिया अपना डिफाइन कर देते हैं कि मैंने प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स को लिया है या एलिमेंट्री को लिया है
An investigation into the problems faced by the primary school teachers may be delimited to the primary school teachers residing in मुल्तान सिटी ओनली. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है कि जेट सपोज अगर आप एक इन्वेस्टिगेट करें किसी प्रॉब्लम को प्राइमरी स्कूल टीचर्स पे, तो उसमें आप सिर्फ प्राइमरी स्कूल टीचर्स को इंक्लूड करेंगे या आपने एरिया सेलेक्ट किया मुल्तान, तो फिर आप मुल्तान सिटी के ही टीचर्स सिर्फ लेंगे. मेथड क्या होता है? दिस सेक्शन ब्रीफली डिस्क्राइब द पॉपुलेशन. इसमें आप डिफाइन करते हैं कि पॉपुलेशन आपकी कितनी होगी, सैम्पल क्या होगा, आपने किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट किया, आपने इंस्ट्रूमेंट की उसको कैसे एडमिनिस्टर किया, आपने रिसर्च को आपने स्कोर्स कैसे जो है वो लिए हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के, ये चीज़ें सारी उसमें मेथड में आप डिफाइन करते हैं. और फिर जो है वो डेफिनेशन ऑफ यूज टर्म्स आप शामिल करते हैं, आप अपनी टर्म्स इंक्लूड करते हैं. आपके जो भी रिसर्च वर्क में डिफरेंट टर्म्स इंक्लूड हो रही होती हैं, जैसे मेरे रिसर्च वर्क में एट्रीब्यूशन एक वर्ड है, ये टर्म थी, एकेडमिक अचीवमेंट थी, सेल्फ एफिकेसी, इस तरह की मुख्तलिफ टर्म्स हो सकती हैं जो कि आप उसमें बयान करते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या है. दीज मे नॉट लीड टू मिस इंटरप्रटेशन, ताकि जो है वो कोई आपकी टर्म्स की डेफिनेशन को मिस इंटरप्रेट ना करे, गलत ना समझ ले. द टर्म्स लाइक अचीवमेंट और इंटेलिजेंट नीड टू बी डिफाइंड, जैसे कि अचीवमेंट और इंटेलिजेंट दो टर्म्स हैं, इनको अलग अलग डिफाइन करना लाजमी है ताकि कोई अचीवमेंट को इंटेलिजेंस ना समझे और इंटेलिजेंस को किसी की अचीवमेंट ना ख्याल कर ले. ठीक है, यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक टू से हम नेक्स्ट लेक्चर में चला.